Hello students, this is Shuchi, your biology teacher, and our today's topic is female reproductive system. So, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि reproduction के लिए male और female दोनों की ज़रूरत होती है जब हम sexual reproduction की बात करते हैं. इसमें से मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बताए थे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. तो आप सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है और इसमें फॉलोइंग ये पार्ट्स होते हैं. नंबर वन है हमारा ओवरी, नंबर टू इज फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटीलिया. जो ओवरीज होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, देन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, एसेसरी ग्लैंड. ये फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यूट्रस जहाँ पे जो एक्चुअल में जो बेबी होता है वो आप कह सकते हो रहता है, वजाइना जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एंड एसेसरी ग्लैंड जिसमें मेनली बार्थोलिन्स ग्लैंड आती है. ये ग्लैंड आपकी जो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काउपर्स ग्लैंड के बारे में बताया था, तो सेम फंक्शन इसका भी होता है. ये भी जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो लुब्रिकेट करता है जो पैसेज होती है कोइटस के टाइम पे, या आप कह सकते हो मेटिंग के टाइम पे, जिससे लैक्सेटिव निकलता है. जो एक स्टिकी सब्सटेंस होते हैं वो केवल एसेसरी ग्लैंड्स की वजह से निकलते हैं जो कि बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है. फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में. एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नाम से मैंने आपको हमेशा कहा है, नाम से मतलब समझा करो. एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? आउटसाइड. तो एक्सटर्नल यानी आउटसाइड, यानी कि जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे, जिसे कॉमन लैंग्वेज में वल्वा कहा जाता है. तो आज हम अपनी वीडियो में इसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलेंगे और वो क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर के साइड रहता है, एक्सपोज्ड पार्ट रहता है. और ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आपके इनर पार्ट्स होते हैं जो कि एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, या तो आप कह सकते हो कि जो दिखाई नहीं देते हैं. तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं? वल्वा. जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं. पहला होता है मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड इज लेबिया मेजोरा, थर्ड इज लेबिया माइनोरा, देन वजाइनल ओपनिंग, हाइमेन एंड क्लिटोरस. ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सभी क्लास 12 में बायो इसलिए लिए हो क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है. तो आपको इन सारे पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? मॉन्स प्यूबिस के बारे में. मॉन्स प्यूबिस क्या है? यहां पे मैंने लिखा हुआ है मास ऑफ फैटी टिश्यू ओवर द प्यूबिक बोन. प्यूबिक बोन के ऊपर एक फैटी टिश्यू का मास होता है, और इस फैटी टिश्यू का मास जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेजेंट है. और प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से इसके ऊपर जो हेयर्स निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स. और ये हेयर्स कब अराइज होते हैं? जब जो भी गर्ल है वो अपने प्यूबर्टी पे पहुंचती है. प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब किसी भी गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अराइज होते हैं, लाइक ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, ये सारी चीज़ें आती हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जो प्यूबर्टी के टाइम पे अराइज होती हैं, जिसमें एज जो होती है गर्ल्स की वो अप्रॉक्स 10 to 11 ईयर्स होती है. तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम के थ्रू एक एक सारी चीजें बताते जाएंगे, तो आप इसको समझते रहना. आप इस तरीके से देखो, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मैंने आपको बोला जो एक्सपोज्ड पार्ट है इट इज समवॉट लाइक दिस. जो फीमेल का एक्सपोज्ड पार्ट है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं आपसे. इट्स समवॉट लाइक दिस, बाहर से कुछ इस तरीके का दिखेगा जब हम इसके पोर्शन को देखेंगे तो. फाइन, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, दिस वन,
दिस इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस, जो कि फैटी टिश्यू का एक मास ऑफ सेल्स, यहाँ पे बहुत ही प्रोट्यूबरेंस पाई जाती है, एक स्किन की एक उभार पाया जाता है, और इस स्किन के उभार को हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं. दिस इज नोन एज द मॉन्स प्यूबिस. क्लियर? और ये मॉन्स प्यूबिस कहां पे प्रेजेंट होता है, जो आपकी प्यूबिक बोन होती है इसके नीचे एक हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम होता है प्यूबिक बोन. और इस वजह से इस पर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इन हेयर्स को हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स. ये मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है, ये जो मॉन्स प्यूबस की यानी कि जो प्यूबिक हेयर्स हैं आप कह सकते हो, लेकिन फीमेल्स में ये इनका जो प्रोट्यूबरेंस होता है, जो इनका उभार होता है, वो कुछ ज़्यादा होता है. सेकंड हमारा पार्ट है लेबिया मेजोरा. मैंने आपको हमेशा बोला है कोई भी चीज़ आप नाम से मतलब समझो. लेबिया वर्ड है और मेजोरा वर्ड है. मेजोरा का मतलब आप समझ रहे होगे मेजर यानी कि बड़ा पार्ट, और लेबिया का मतलब होता है लिप्स. लेबिया का पार्ट मतलब क्या होता है, लिप्स. तो यानी कि ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक स्किन के फोल्ड होते हैं जो कि पेयर्स में फोल्ड ऑफ स्किन पाई जाती है. एंड दिस पर्टिकुलर पेयर ऑफ स्किन, और आप कह सकते हो लिप लाइक स्ट्रक्चर और द फोल्ड, आर नोन एज द लेबिया मेजोरा. इनके ऊपर भी ये प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होता है, इनके ऊपर भी ये प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, लिप लाइक, लिप की तरीके का स्ट्रक्चर होता है. तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो दीज आर दी लिप लाइक स्ट्रक्चर, और ये मेजर लिप लाइक है तो लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर. समझ गए आप? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने पेयर्ड फोल्डेड टिश्यू कवर्ड बाई हेयर्स या प्यूबिक हेयर्स. नेक्स्ट हमारा क्या है, लेबिया माइनोरा. तो जैसा कि मैंने आपको बोला लेबिया का मतलब क्या है, लिप्स. तो यहाँ पर देखो आप, इसके अंदर में एक और लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरीके का लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इस पर्टिकुलर लिप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा. माइनोरा, माइनर मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब होता है छोटा, और लेबिया का मतलब लिप्स. तो यहाँ पे जो लिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और पेयर्ड ही होते हैं, मतलब एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, दोनों साइड लिप्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या हो गया, लेबिया माइनोरा. और ये अपर वाला पार्ट क्या हो गया, जो स्किन की फोल्डिंग्स होती है, सबसे बाहर की फोल्डिंग जो कि कवर करती है इन अंदर वाले पार्ट्स को, इसे हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे लेबिया मेजोरा. मेजोरा यानी मेजर पार्ट, बड़ा वाला जो लिप है, जो बाहर वाली स्किन की फोल्ड है, उसको हमने क्या कहा, लेबिया मेजोरा कहा. और जो अंदर की लिप लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहेंगे, लेबिया माइनोरा कहेंगे, जो कि स्मॉल आप कह सकते हो थिन फोल्डिंग्स होती हैं. क्लियर स्टूडेंट? थिन लिप लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिख सकते हो, थिन लिप लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर? अब सुनो, अब क्या होता है, यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग पाई जाती है, इस तरीके से यहाँ पे एक वेजाइनल ओपनिंग पाई जाती है, और इस वेजाइनल ओपनिंग का काम क्या होता है, यहीं से मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ब्लीडिंग रिलीज होती है, जो बेबी के बर्थ के लिए बहुत ही नेसेसरी है. इसकी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो आप उसको देख लेना. एंड विद इन दिस व्हाट विल हैपन, यहाँ से ही, इसको हम बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बेबी का बर्थ होता है वो एग्जैक्टली यहीं से होता है. देन आफ्टर इस पर्टिकुलर, अच्छा एक चीज और, ये आपके वेजाइनल ओपनिंग हो गई, ये वेजाइनल ओपनिंग एक थिन मेम्ब्रेन से ढकी हुई रहती है. ये वेजाइनल ओपनिंग एक थिन मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमेन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कई बार नीट में पूछा गया है. अच्छा मैं आपको हाइमेन के बारे में बता दूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन कवर्ड वेजाइनल ओपनिंग.
जो वेजाइनल ओपनिंग को मेम्ब्रेन एक कवर करती है, बहुत ही थिन सी मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करती है, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमेन। तो इसको मैं इस तरीके से शो कर दे रही हूँ, आप इसको समझ जाओ। ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं हाइमेन। ये बहुत ही पतली सी लेयर होती है, कई लोगों का मानना था पहले, और शायद कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे आज भी लोगों का मानना है कि अगर किसी भी गर्ल की ये हाइमेन की लेयर ब्रेक हो जाती है तो वो गर्ल वर्जिन नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये हाइमेन की लेयर बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, और ये कई सारे रीजंस की वजह से ब्रेक हो सकती है। कभी कभी जिम में वर्कआउट करने के टाइम पे भी ये हाइमेन ब्रेक हो सकती है। कई गर्ल्स एथलीट्स होती हैं, कई हॉर्स राइडिंग करती हैं, तो या कभी कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये जो लेयर है हाइमेन की वो ब्रेक हो जाती है। तो कहीं से भी ये वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है कि अगर आप कोइटस करते हो, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप मेटिंग करो किसी भी गर्ल के साथ और अगर उसकी ब्लीडिंग ना हो, मतलब हाइमेन लेयर ना टूटे, तो इसका मतलब है कि वो वर्जिन है कि नहीं। ये ऐसा नहीं होता है। ये पहले के ज़माने में लोग करते थे और शायद कहीं ना कहीं आज भी लोग इसको मानते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हाइमेन लेयर बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो किसी भी मेजर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ब्रेक हो सकती है। और ये हाइमेन लेयर वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर थिन सी, बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो मोस्टली फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे, मतलब जो गर्ल्स कभी भी, मतलब जिनका एक्सीडेंट ना हुआ हो या हॉर्स राइडिंग ना की हो या किसी भी रीज़न की वजह से ये ना ब्रेक हुई हो, तो वो फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे, मतलब जब फर्स्ट कॉपुलेशन होता है आफ्टर वेडिंग, या जो भी कहो कि जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पर ये हाइमेन की लेयर ब्रेक हो जाती है। देन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्लिटोरिस का। क्लिटोरिस एक आप कह सकते हो इस तरीके से, आप यहाँ पे मैं आपको क्लिटोरिस दिखा रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से। ये जो क्लिटोरिस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके से ह्यूमन मेल में पेनिस का स्ट्रक्चर है, इन द सेम मैनर फीमेल्स में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं, जो कि सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूजुअली यूज किया जाता है। सो इसका और कोई मेजर रोल नहीं है, लेकिन ये भी एग्जाम में नीट में पेपर पूछा गया है कि कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है फॉर द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। देन योर आंसर विल बी क्लिटोरस, विच इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटीलिया है जिसे कॉमनली हम वल्वा कहते हैं, जिसमें पॉन्स प्यूबिस आता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो पॉन्स प्यूबिक जो सॉरी बोन होती है उसके ऊपर फैटी टिश्यू पाया जाता है, और इसके ऊपर ही कई सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। यहाँ पे अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, एनस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें एनस और ये वेजाइनल ओपनिंग दोनों अलग होती हैं, और मेल में दोनों ही ओपनिंग सेम होती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, मेल में जहाँ से यूरिनेशन होता है, जहाँ से यूरिन पास आउट होती है, वहीं से सीमेन भी निकलता है, जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे दोनों ही स्ट्रक्चर क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। मेंस्ट्रुएशन बर्थ कैनाल डिफरेंट होती है, जहाँ से यूरिनेशन होता है वो पार्ट, या कह सकते हो जहाँ से एक्सक्रीशन होता है वो पार्ट अलग होता है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो आप कह सकते हो मीडियम है, जो वेजाइनल ओपनिंग की मीडियम जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होती है। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे जो सीमेन निकलता है वो क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम कर देता था, मतलब बेसिक। क्यों? क्योंकि भाई ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये बहुत ही एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो पीएच है वो मेंटेन होना चाहिए, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए सारे ही फीमेल्स को।
So this is all about the female reproductive structure, or you can say that basically of the external genitalia of the female. आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद मैं आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी, एज वेल एज यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड कर लो मेमोरी ग्लैंड का, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बेबी की फीडिंग होती है डैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कम्स अंडर दी मेमोरी ग्लैंड, जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.